कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। सेना के ऑपरेशन से बौखलाए जवान अब पुलिस कर्मियों के साथ पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग कर रहे हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर सोरा इलाके में स्थित उनके घर पर गोलीबारी की। आतंकी हमले में पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि उनकी 7 साल की मासूम बेटी जख्मी हो गई। बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले में बच्ची के दाहिनी हाथ में गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कहा कि कादरी को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कश्मीर में मारे जाने वाले तीसरे पुलिसकर्मी कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकल रहे थे। इससे पहले 13 मई को आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की पुलवामा जिले में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं एक दिन पहले 12 मई को आतंकियों ने बड़गांव जिले में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को उनके कार्यालय के अंदर घुसकर गोली मार दी थी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के 5 सदस्य हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 को श्रीनगर से जबकि 3 को बारामूला से पकड़ा गया। आतंकियों के पास से हथियार व गोला बारूद बरामद हुए थे। पुलिस ने बताया कि बारामूला से पकड़े गए 3 आतंकी अप्रैल में बारामूला जिले में हुई एक सरपंच की हत्या में शामिल थे। उधर पुलिस कांस्टेबल कादरी की गोली मारकर हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया।